प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग प्रणाम, हम माने रामचंद्र यादव, रउआ सब देख रहा बानी प्लेनेट भोजपुरी। आज आप लोगन के मिलवावे लेके चलते ही एक ऐसन भोजपुरी सिनेमा के नगीना जिनकरा नाम बाटे अंजनी सिंह जी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम से फेमस बाने उ नाम बा उधारी बाबू। जी हाँ दोस्तों, कई गो फिल्म इनका रिलीज हो गई बा, लेकिन एगो खास फिल्म बहुत ही संवेदनशील बारहवीं की स्टोरी के साथ में एगो फिल्म आ रहा बा। जौना फिल्म की शूटिंग चालू बाटे, बड़े जोर शोर से शूटिंग हो रहा बा। आई बात कर जाए उधारी बाबू से और बताइए उस फिल्म के बारे में। उधारी बाबू आपके स्वागत बा भोजपुरी। प्रणाम आपके, आपके चैनल के और जी भी श्रोतागढ़ हमके देख रहा बा, वहाँ सबके हम गोल छुके गोल लागत नहीं। हमारा नाम बा उधारी बाबू और हम सौभाग्य बा कि रुआ चैनल पर हम आज इंटरव्यू देते नहीं। रुआ जी बताई, जो फिल्म की शूटिंग चल रहा बा, ये फिल्म के बारे में पहले हम बात करें चाहे का किरदार बाटे, फिल्म कहाँ शूट हो रहा बाटे, के तरीके से फिल्म बनाता। ये फिल्म शूट हो रहा बा संजान में, और ये फिल्म में डायरेक्टर बने सुजीत वर्मा जी, और एकर मेन हीरो बानी हमार बड़े भाई यश कुमार मिश्रा जी, जो उनके हमारे जनपद बलिया जिला से बानी, और हमहू सौभाग्य से बलिया जिला के ही बानी, और वहाँ के ही ये फिल्म हमके हमार जन्मदिन के दिन फ़ोन करके कह सके नहीं कि सबसे बड़ सरप्राइज रहे हमारा खातिर, क्या कि हम उठनी और वहाँ के कॉल आएल कि बाबू कैसे हो। हम जन कि सब कोई विश करता, वहाँ को विश करम, लेकिन वहाँ के विश ना कहीं, विश कैला के बाद तुरंत बोलनी कि बाबू तू हमारे साथ एगो फिल्म करत बड़ा जर नाम बाटे मेरी बिटिया। तो बहुत हमके अच्छा लागल, और उससे बढ़िया गिफ्ट हमके काम मिल सकत रहा, बड़ा हमके अच्छा लागल। तो का किरदार बा मेरी बिटिया पिक्चर में? मेरी बिटिया में हम एगो इनोसेंट सा जो करेक्टर होला, गाँव के एकदम मतलब शांत विचार के एकदम मतलब मीडियम फैमिली से बनी, और बहुत अच्छा करेक्टर बाकी एगो लड़की बाड़ी जिनसे हमके प्यार होला, और लड़की केकर बाड़ी वो तो बाद में मालूम पड़ी, फिल्म देखला के बाद हम कुल ना बता सकीला अभी, क्या कि सस्पेंस ही कुल रखल बा। और फिल्म के नाम बा मेरी बिटिया, तो जहाँ तक लोग के लिंक मिली सकेला कि कैसन का हो। और बहुत अच्छा काम बटे, मगर हम इस काम से संतुष्ट बनी, और पूरा फिल्म मतलब कहल जा सकेला कि लोग कहेला कि पूरी फैमिली के साथ देख सकीला रहा फिल्म, लेकिन हम कह सकें पूरी फिल्म फैमिली ना, पूरा घर द्वार सबका साथे देख सकेला, क्या कि फिल्म साफ सुथरी ना संस्कारी फिल्म भी आई। जी राहुल का के चाहे शूटिंग का अनुभव का रहे, और यश कुमार जी जो फिल्म के निर्माण के रहा बने एक अलग सब्जेक्ट में, उनका बारे में क्या कहा चाहे? यश भैया की एक्टिंग कल मैं रियली बता रहा हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया नगीना जो होता है कि एक एक्टिंग में उभरता हुआ मतलब उभरता का मजा हुआ कलाकार, जिसका नाम लोग जानेंगे यश कुमार मिश्रा। इस फिल्म की सब लोग करेक्टर हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक करेक्टर हूँ, जो हमारी अपोजिट एक लड़की है वो भी करेक्टर है, लेकिन एक फिल्म का जो हीरो होता है वो तो कहानी है सबसे पहले बता दूं, और सबसे बड़ा कोई है उस फिल्म में तो रीढ़ की हड्डी यश कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि मैं तो किसी फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकता उस फिल्म को, लेकिन ये कहूँगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा इस फिल्म को, ऐसी फिल्म है। अब राहुल और कौन कौन फिल्म आजकल बाटे और बाकी कौन कौन फिल्म में करा? पहले बलिया के दबंगई आई रहा मनोज आर पांडे जी के साथ में, जिनमें प्रोड्यूसर विनोद बच्चा सिंह और प्रेजेंटर एसएस फिल्म फैक्ट्री शाहजहाँ से एकता जी रानी, और बड़ा सौभाग्य बात बाकी एगो वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बैनर है, और इहो दीपक शाह जी के जो इतना बड़ा आज के डेट में बहुत बड़ा स्कोप वहाँ पहले बार नए लोगों को लेकर वहाँ के फिल्म के थी करता नहीं, और चांस भी देता नहीं, काम भी अच्छा करा होता नहीं, और फिल्म अच्छा बना होता नहीं, मेन बात बाकी तो बहुत हमको अच्छा लगल। थैंक यू सर दीपक शाह सर और यश कुमार भैया और सुजीत सर, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे से भी एक छोटे से कलाकार को आप सब लोगों ने मिलकर सौभाग्य दिया कि मैं काम कर सका। अंजनी जी एक बात और जानना चाहब कि रउआ एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छा कुशल डांसर भी बने, तो क्या कहल चाहब आगे अपन करियर डांसिंग में एक्टिंग में बनाओ चाह? देखिए डांसिंग एक्टिंग और फाइट सबके मिक्स करके बने लगे हीरो, तो हमारा एच ई आर ओ जो हीरो शब्द बा उसे बहुत प्यार बा, बचपन से हम ऐसा नहीं चाहे ये ना कोनो भी काम वह कल चाहिला जे कि हीरो दिखाई दे, तो डांस करब तो डांसर रह जाए, फाइट करब तो फाइटर रह जाए, और एक्टिंग करब तो एक्टर रह जाए, लेकिन हमके बने के बाद हीरो, तो हम हीरो बनल चाहते नहीं, ना डांसर ना एक्टर ना फाइट मास्टर ना फाइटर, सब मिला के एगो हीरो बनल चाहते नहीं। प्लैनेट भोजपुरी।